नमस्कार, मैं ताना श्रीवास्तवा मौजूद हूँ आज कुछ मुख्य सुर्खियों के साथ और आप देख रहे हैं आवाज। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियों पर। फ्रांस से 3 से 4 राफेल जेट नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आएंगे। जुलाई में मिले 5 विमान लद्दाख में तैनात हैं। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर। शहीद मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाके पर दावा। सुनवाई 18 नवंबर को। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। 250 किमी दूर तक दुश्मन पर करेगी पार। 23 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे पीएम। दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दिन भी 3-3 रैलियां करेंगे। कुल 110 सीटों पर नजर। एनटीए ने जारी किया स्कोर कार्ड। ओडिशा के सोहेब आफ्ताब ने रचा इतिहास। 720 में से 720 अंक हासिल कर बने ऑल इंडिया टॉपर। ड्रग्स तस्करी को लेकर कई राज्यों में एनसीबी की छापामारी। रडार पर दिल्ली। मरीजों का आंकड़ा 74 लाख के पार, लेकिन हर दिन औसतन 8,000 एक्टिव केस कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोले, अगले 2.5 महीने सबसे कठिन। अमेरिका की तुलना में यूरोपीय देशों में संक्रमण बढ़े। 6 से 13 अक्टूबर के बीच 42% ज्यादा मरीज मिले। दुनिया में 3.92 करोड़ केस। बार $550 अरब के पार हुआ देश का फॉरेक्स रिजर्व। सिर्फ एक सप्ताह में $5.87 अरब बढ़ा। एसआईटी करेगी सौर चक्र विजेता बलविंदर सिंह हत्याकांड की जांच। अमरिंदर सिंह ने दिए आदेश। बिहार चुनाव की तैयारी के बीच राजस्थान के ट्रक पर ईटों के साथ आ रही थी हरियाणा शराब। 4,436 लीटर जब्त। तो आइए नजर डालते हैं आज कुछ मुख्य खेल समाचारों पर। कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेटों से हराकर मुंबई इंडियंस एक बार फिर से पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची। जीतते चाहे चेन्नई को आज हर हाल में दिल्ली कैपिटल्स को भी हराना होगा। इंतजार में खेल संघ कैसे कराए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। खेल मंत्रालय से मांगी आयोजन के लिए दिशा निर्देश। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन कोरोना पॉजिटिव, नहीं जा पाए इटली। इसी के साथ मैं ताना श्रीवास्तवा इजाजत लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आवाज। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।